जो एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग, थोड़ी सी बिलकन हो जाए ईश्वर के प्रति, तो उनका जल्दी से जल्द उद्धार हो जाता है। बाबूजी कहते थे कि हम उनको जल्दी आगे पहुंचाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो काम भी इंटेंसिव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता है जाने के लिए, वैसे वैसे बुजुर्ग लोगों की अटैचमेंट और बढ़ती ही जाती है। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। जब एक तरह का अंदर से डिटैचमेंट होना चाहिए, उसके बदले बढ़ता ही जाता है। जब समय नजदीक है जाना का, तो ईश्वर में ही होना बहुत जरूरी है। उनकी याद में सतत डूबे रहना है। ऐसे इतना जिंदगी जी लिया, काहे को एक परेशानी करना है, ये करना वो करना, उसके भूल जाओ ये सब। आपने बहुत कुछ कर लिया, आगे सोचो। और जैसे मैंने बताया कि उनपे उनकी नजर बहुत खास रहती है, खास। लेकिन वो खास नजर से जो ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा मिलता है, ग्रेस एक्स्ट्रा मिलती है बुजुर्ग लोगों को, एटलीस्ट रिसीव करने के लिए बैठा करो ना। और अभी हमें अनुभव होता है। सपोज मैंने अभी शायद मैं अभी काम करता होता, नौकरी करता होता, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो रिटायरमेंट हो चुका होता मेरा। और आप कहो कि मैंने पहले विचार किया होता कि चलो रिटायर होके ध्यान करेंगे, योग करेंगे। लेकिन मैंने देख लिया, यदि मेरे को फिर से इस उम्र में पहली सिटिंग लेनी है या योग अभ्यास करना है, वो नहीं हो पाए। मैं जानता हूं, बुजुर्ग लोगों की तकलीफ भी जानता हूं, क्योंकि हम भी वो कैटेगरी में है। तो अननेसेसरी दौड़ भाग मत क्या करो। सी किधर जाना है, उधर जाना है, उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, ये माया भूल जाओ। आपको एक ही ध्यान रखो, जैसे हम कल ही मर जाने वाले हैं, इस तरह से जियो। बाबूजी कहा करते थे ना, लिव एज इफ यू गोइंग टू डाई द नेक्स्ट मोमेंट। डेथ इज ऑलवेज इन द मोमेंट, इट डजंट टेक 10 मिनट्स फॉर यू टू डाई, इट्स बैंग एंड गॉन। पता भी नहीं चलेगा कब चले गए, बट इट कैन बी ए स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन इन ए गुड वे, क्वांटम लिप जैसे साइंस में बताते हैं, यहां से वहां। बाबूजी भी कहते हैं इधर से उधर गर्दन घुमाई ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, वो मोमेंट इज पॉसिबल। दैट इज सो इंटेंसिटी बढ़ानी है, चाहे हम प्रैक्टिस कम करें लेकिन प्रैक्टिस में इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट मर जाएंगे, उसका ये डरना क्यों है? आज नहीं तो कल तो जाने ही वाले हैं, तो उसका डर क्यों? सब बुजुर्ग भाई बहनों से मैं इतनी विनती करता हूं कि आप डरो मत, हो सके तो पूरे दिल से वेलकम करो कि बाबूजी हम आ रहे हैं आपके पास। सामने से बुलाना नहीं है, खुदकुशी नहीं करना है, लेकिन जो तैयारी होनी है पूरे हिम्मत के साथ, हम तैयार है। वो ऐसा कौन बोल सकता है कि हम तैयार है जिसको कोई डर नहीं है? डर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है, काहे के लिए डर लेना है? और यदि आपने कुछ गड़बड़ की हो तो अभी सुधार लो, अभी भी टाइम है।